आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हेमा जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम में? देखिए उम्मीदें रखते हैं बंगाल इलेक्शन से, बंगाल को लेकर के सर प्लीज कम आ जाइए, एक वहाँ इलेक्शन से संबंधित एक जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ है संगीत के क्षेत्र में, क्षेत्र में, तो इसको लेकर के ये हमारे प्रधानमंत्री जी को समर्पित है और हमारे मित्रों ने इस प्रकार का एक पूरे कार्यक्रम आयोजित किया है और कस बंगाल के इलेक्शन को लेकर के किया गया है और निश्चित तौर से आने वाला भविष्य देश के लिए और बंगाल के लिए बहुत अच्छा सुखद अवसर बीजेपी के लिए आने वाला है और हम इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को फोकस करके बात जो रिलीज हुई है, मुझे लगता है इससे एक मैसेज भी जाएगा और पूरे बंगाल के लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर भी मिलेगा और हम सब लोग मिलकर के बंगाल को आने वाले समय में सत्ता की ओर ले जाएंगे ताकि बंगाल के लोगों को इसका एक सुखद अनुभूति हो। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस ऊंचाइयों तक भारत को पहुँचा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बंगाल भी उसमें शामिल हो। सर आज की शाम से क्या कहना चाहेंगे एंड बंगाल इलेक्शन से क्या उम्मीदें हैं इस बार की, इस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए ये हमारी इलेक्शन की तैयारी हमेशा बीजेपी दो साल से इस क्षेत्र में हम लगे हैं, उसका परिणाम आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव में और ये इस बात को प्रमाणित करते हैं। जो लोकसभा चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए हैं तो उससे जो हमारी असेंबली सीट्स हम जीत करके आए हैं तो उससे हम बहुत सत्ता के नज़दीक आ गए हैं। मुझे लगता है ये बाकी जो समय है इस समय में सारे हमारे लीडर्स प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हमारे मुख्यमंत्री कैलाश जी और बाकी पूरा संगठन इसी दिशा में लगा है क्योंकि हमने बंगाल को इससे उभारना चाहते हैं ममता जी से और इसलिए एक बार सब मिल करके इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, हाँ जी, बंगाल का परिस्थिति ममता बनर्जी का रूल में बहुत खराब है। हमारा 140 वर्कर्स ने उनका जीवन दे दिया, दे हैव बीन किल्ड, और वहाँ पे महिला का कोई इज्जत नहीं है, युवाओं का कोई नौकरी नहीं है, तो हेल्थ का कोई सिनेरियो बहुत ख़राब है। तो अभी जो एस्ट्रोसिटी चल रहा है तो अभी जो फिलहाल मोदी जी का गुड गवर्नेंस और ममता जी का जो बैड गवर्नेंस, इसका वजह से बंगाल का आदमी तैयार हो गया है बीजेपी को लाने के लिए। और आज का जो प्रोग्राम है, ये जो लॉन्च हुआ है, कैसे बंगाल का आदमी बहुत संगीत प्रेमी है, तो संगीत प्रेमी तो संगीत का माध्यम से वी कैन रीच द पीपल ऑफ बंगाल। सो इन्होंने जो कैसेट बनाया है इट विल बी प्लेड ऑल ओवर बंगाल एंड वी कैन रीच द माइंड्स ऑफ द पीपल, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और अमित शाह जी ने बोला है ये वी विल कैप्चर मोर देन 200 सीट्स आउट ऑफ 294। अगर भाजपा ने बंगाल को कैप्चर नहीं किया है तो ये जो है ये आतंकवाद का जगह बन गया एंड इट इज़ अ गेटवे फॉर ऑल दी माने पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन एस्ट्रोसिटीज थ्रू बंगाल। उसको कब बंद करना है, उसको बंद करने के लिए भाजपा गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है क्योंकि तृणमूल इन लोगों को शेल्टर दे रहे हैं, तो इसको बंद करना चाहिए। पीपल आर नॉट रेडी, ओनली वी हैव टू इंश्योर दैट पीपल कैन वोट, बिकॉज वहाँ पे बूथ कैप्चर हो जाता है, पोलिंग स्टेशन कैप्चर हो जाता है, तो इसीलिए दैट एश्योरेंस इफ वी कैन गिव बंगाल विल बी विजिबल। सर, आखिरी सवाल आपसे, जो अभी एक दिन पहले जो हादसा हुआ बहुत दुखद पूरे देश ने देखा और हम सब कहीं उससे आहत हैं, किसान आंदोलन के लेकर जो हिंसा हुई उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये कुल मिलाकर के देश के लिए अच्छा नहीं है,
इस प्रकार की हिंसा भी होना नहीं चाहिए। जो भी डिमांड है वो समझ में आता है कि डिमांड करना कोई बुराई नहीं है, सजेशंस देना चाहिए सरकार के सामने जो अच्छा हम फार्मर्स के लिए कर सकते हैं, किसान के लिए कर सकते हैं, सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। इतने दौर की बातचीत हुई है, परंतु इस प्रकार के घटनाओं से देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, और इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम हर समस्या के लिए समाधान के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, और इसके लिए बातचीत चल रही है और आगे देखते हैं क्या संभव हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू।